एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ घरों में काम किया करती थी और घर का गुजारा करती थी। फिर एक दिन वो बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर दिवाली का दिन आया, पूरा गांव सजा हुआ था, बस एक भोला के घर को छोड़कर। माँ, ये दवाई ले लो। लाओ भोला। बेटा मुझे माफ करना, आज दिवाली है और मैं तुम्हारे लिए कोई नया कपड़ा कर नहीं आ पाई। कोई बात नहीं माँ, आप आराम करो। इतना बोलकर भोला सोचने लगता है कि घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है और ना ही तेल या घी, जिससे वो घर में दिए जला सके। वो उदास होकर घर से बाहर निकल जाता है और चलते चलते गांव से बाहर एक हवेली के बाहर आकर रुकता है। वो हवेली बहुत बड़ी होती है और बहुत ही सुंदर लाइटों से सजी होती है। उसी घर की खिड़की पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि बहुत उदास दिख रही होती है। अरे भैया, ये तो बहुत सुंदर हवेली है, तब भी यहाँ इतना सन्नाटा सा क्यों है? और आज तो दिवाली भी है। अरे बेटा, क्या बताएं? इस घर के मालिक हमेशा काम में बिजी रहते हैं और ये उनकी बेटी सोनी अकेले घर में उदास हो जाती है। इसे घर से बाहर जाने को भी मना किया है इसके पापा ने। भोला हवेली के अंदर जाता है तो उसे अजीब सा डर लगता है। ए लड़के, कौन है तू जो मेरी हवेली में घुस रहा है? मैं तुझे खा जाऊंगी एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। चुड़ैल आंटी, आप यहाँ कैसे आ गई? नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं तो बस उस लड़की को देखने आया था। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ, मैं खुद उसका ध्यान रख सकती हूँ। क्या, तुम और उसकी माँ? और अगर उसका ध्यान रख सकती हो तो रखती क्यों नहीं? देखो देखो उसकी तरफ, कितनी उदास है वो। अगर तुमने उसका ध्यान रखा होता तो वो ऐसे अकेले खड़ी होकर रो नहीं रही होती। चुड़ैल भोला की बात सुनकर चुप हो जाती है। अब क्या हुआ आंटी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। छोटा बच्चा जान के हमको ना बहकाना रे। हाँ चुड़ैल आंटी। तभी उसको ऐसे नाचते और गाते हुए देखकर सोनी, जो कि रो रही होती है, एकदम से हंसने लग जाती है। अरे तुम कौन हो, यहाँ आओ। चुड़ैल जी, मैं जाऊँ, वो बुला रही है। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन मैं यही हूँ, मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने का सोचना भी मत। अरे चुड़ैल जी, मैं कोई आतंकवादी थोड़ी हूँ जो नुकसान पहुँचाऊंगा किसी को, मैं तो खुद ही नसीब का मारा हूँ। अरे तुम कौन हो, मैंने तो पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ, लेकिन आज तो दिवाली है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, और तुम मेरी तरह गरीब भी नहीं हो। पैसों से थोड़ी ना खुशियाँ आती हैं, खुशियाँ तो लोगों से आती हैं, और मेरे पास ना तो कोई दोस्त है और ना ही मेरे घर में कोई। क्यों, क्या हुआ, सब कहाँ गए? मेरे पापा तो हमेशा काम करते रहते हैं ऑफिस में, मेरा ध्यान रखने वाली एक आंटी है राम प्यारी, उनके साथ में क्या खेलूंगी। और तुम्हारी माँ? सोनी कुछ नहीं कहती और फिर से उदास हो जाती है। अरे क्या हुआ, अच्छा रहने दो, तुम उदास मत हो, मेरे साथ खेलोगी? ठीक है, लेकिन मेरे पापा को मत बताना, वो मुझे डांटेंगे, उन्होंने मना किया है इस घर से बाहर जाने को। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर ही खेलूंगा तुम्हारे साथ। फिर दोनों घर के बगीचे में खेलने लगते हैं। चुड़ैल अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश होती है। आज तो मजा आ गया, तुम रोज आओगे मेरे साथ खेलने? नहीं,
मेरी माँ की तबीयत खराब है। ओह अच्छा, तुम तो आज बहुत मजे करोगे ना अपने घर पर। नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आज दिवाली के दिन भी अपना घर सजा सकूं। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। फिर भोला घर की ओर निकल जाता है। सोनी फिर से उदास हो जाती है और घर के अंदर जाती है। घर के अंदर बहुत सारे पटाखे रखे होते हैं। मेरे पास तो इतने सारे पटाखे हैं, पर क्या फायदा, पापा आज भी लेट आएंगे और इस बार भी मुझे अकेले ही दिवाली मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर परेशान हो जाती है और भोला के पीछे जाती है। भोला रुक जाओ। अरे चुड़ैल आंटी, आप मेरे पीछे क्यों आ गईं? अब तो मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। मैंने आपकी बेटी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ मैंने देखा, पर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खेलकर बहुत खुश थी। तुम अब से मेरे घर पर ही रहोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा अब एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं चुड़ैल आंटी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे घर पे मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना होगा। नहीं मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। चलो मेरे साथ वापस, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो कुछ दिन मेरी बेटी को खुश रखो। भोला बहुत डर जाता है। ठीक है, आप मेरी माँ को मत मारना, मैं चलता हूँ आपके साथ। फिर भोला वापस हवेली पहुँचता है। उसे देखकर उदास सोनी फिर से खुश हो जाती है। अरे भोला तुम वापस आ गए, तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो ना? हाँ वो अरे हाँ, मैंने सोचा तुम अकेली हो तो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। फिर दोनों खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद, अरे भोला क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें और पटाखे चाहिए तो ले लो, मेरे सब पटाखे ले लो। नहीं नहीं वो बात नहीं है, मुझे अपनी माँ की चिंता हो रही है। मेरी माँ घर पे अकेली है और बीमार भी है। सोनी को भोला अपने घर का सारा हाल बताता है, जिसे सुनकर सोनी को बहुत दुख होता है। भोला काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, लेकिन मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। वैसे तो वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, पर तुम उदास मत हो, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगी कि वो तुम्हारी मदद करें। अब तुम मेरी चिंता मत करो और अपने घर चली जाओ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। सोनी और भोला साथ मिलकर पटाखे और फुलझड़ियां जलाने लगते हैं कि तभी सोनी के पापा महेश वहां आ जाते हैं और भोला को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अरे राम प्यारी इधर आओ, ये कौन है? साहब वो मुझे नहीं पता। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, किसी को भी घर के अंदर घुसा लिया। सोनी डर जाती है और फिर से रोने लगती है। पापा इसे मत जानना, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ खेलने आए हैं। तुम इसे जानती भी नहीं, एक अजनबी को कैसे घर में आने दिया? ये गलत बात है सोनी बेटा, और राम प्यारी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, बहुत हो गया, तुम्हें अपनी बेटी की उदासी नहीं दिखती। चुड़ैल अरे अरे मर गया रे, कौन हो तुम, कौन हो? तुम्हारी बीवी पूनम। पूनम तुम्हें मरे हुए तो कितने साल हो गए? हाँ मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही थी, तुमने तो उसे कभी समय नहीं दिया। कैसे बाप हो, क्या करोगे इतना पैसा जब तुम्हारी बेटी खुश नहीं? मैं लाई हूँ इस लड़के को, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज हमारी बेटी कितनी खुश है? उसे भी दोस्त चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलने देते तुम इसे। इस हवेली जैसे पिंजरे में एक सोनी की चिड़िया की तरह तुमने उसे कैद कर दिया है। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनी को गले लगा लेता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हें भी समय दूंगा, तुम्हें ही समय दूंगा। फिर महेश को सोनी भोला के बारे में सब बताती है, तो महेश भोला की मदद करता है और उसकी माँ को अपनी हवेली बुलाकर एक कमरा और नौकरी देता है और भोला का भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सब लोग मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। चुड़ैल सोनी को गले से लगा लेती है। महेश अब मैं चैन से मुक्त हो सकती हूँ, हमारी बेटी का हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना।
इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है।